अमित जी इसे बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि आज एडिबल ऑयल पैक कुछ नरमी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। खबर निकल के सामने आई कि जो सरकार है, सरकार ने एक बार फिर से खाद्य तेलों की कीमतों को काबू करने के लिए एक और कदम उठाया है, एक नया पोर्टल लॉन्च करने जा रही है जिस पर सभी को अपने स्टॉक की डिटेल्स देनी होंगी, जिसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी और बाजार भी संतुलन में रहेगा। तो अमित जी अब आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से सरकार एक के बाद एक कदम लगातार उठा रही है खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए, तो आगे जाके खाद्य तेल में अब तेजी बनती नजर आ पाएगी क्या? जी देखिए, एक तरह से ये जो कदम है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो सरकार ने खुद भी एक तरह से कैंसल आउट किया था उसके अंदर ही आते हैं, या जो कदम है काफी सिमिलर है जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर देखे गए थे, तो उसका असर हमें डेफिनेटली सोयाबीन में सबसे ज्यादा दिखाई दिया है, क्योंकि सोयाबीन का जो स्टॉक है वो लगभग पिछले दो महीने पहले हो चुका था 9,800 के करीब या 10,000 के करीब, तब से लेके हमने लगातार एक करेक्शन का रुख देखा है जी। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसमें सोया ऑयल और सोयाबीन में ही नजर आएगा, और मुझे लगता है कि सोया ऑयल जो है हालांकि फिलहाल डाउनसाइड है लेकिन डाउनसाइड लिमिटेड होगा, यानी 1285 से 1275 तक काम जा सकते हैं, जिसके बाद में समझता हूँ कि वहां पर आके एक स्टेबिलिटी देखने मिलेगी। लेकिन आप फिर भी अगर हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्तों की बात करें तो यस, ये जो कदम उठाए गए हैं नेगेटिव इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म बेसिस खास करके रिफाइंड सोया ऑयल और सोयाबीन पे देखने मिलेगा। सोयाबीन की जैसे मैंने बात की 5750 तक के स्तर हमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन वहां से मैं समझता हूँ दोबारा प्राइसेस जो है पिकअप होंगी और 6300 तक जा सकेंगी। तो एक दायरा है, निचले दायरे में ट्रेड हो रही है कुछ समय के लिए, डेफिनेटली इन दो काउंटर्स पे प्रेशर बना रहेगा, लेकिन ये प्रेशर मैं फिलहाल सीपीयू में नहीं देखता हूँ। या फिर आप अगर सरसों की भी बात करें तो सरसों में भी बहुत बड़ी मुनाफा वसूली मुझे आते हुए नहीं दिखती है। हाँ, हो सकता है कि 8300 या 8250 के रीजन में प्राइसेज एक बार जाते हुए दिखें, लेकिन मुझे लगता है कि सरसों में जब रिकवरी आएगी तो काफी बढ़िया रिकवरी दोबारा देखने मिलेगी, जहां पर दाम से 8800 तक जा सकते जी। तो यानी कि सरकार के इस कदम से कुछ इंपैक्ट पड़ता हुआ जरूर नजर आएगा, लेकिन सरसों पर इतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरसों के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। नीचे में भी हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में 8250 8300 तक के भी लेवल्स जरूर देखने को मिल सकते हैं सरसों के अंदर। लेकिन अमित जी के अनुसार जब सरसों की कीमतों में एक बार रिकवरी आएगी, फिर से सरसों में खरीदारी निकलेगी, तो काफ़ी शानदार खरीदारी निकलेगी और कीमतों की जो रिकवरी है खरीदारी के द्वारा वो 8800 तक देखने को मिल सकती है।